हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सपोर्ट। आज मैं आपको जो है पीएम किसान की जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने में जो प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और आसानी से अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रोसेस बताते हैं स्टेप बाई स्टेप और आपको बताते हैं कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने मोबाइल नंबर की OTP दर्ज करके कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशरी स्टेटस, इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बाजू में लिखा रेड कलर नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप इस प्रकार के पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना और एक कैप्चा फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों सिंपली यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और कैप्चा फिलअप कर लेता हूँ और आपको आगे की डिटेल बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों सिंपली यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं सिंपली अब कैप्चा फिलअप भी कर लेता हूँ, जो कैप्चा है ये वाले भी फिलअप कर लेता हूँ। D3TURU। चलिए यहाँ से मैं सिंपली कैप्चा फिलअप कर लिया और गेट मोबाइल OTP पर क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों सिंपली यहाँ से मैंने गेट मोबाइल OTP पर क्लिक कर दिया है। गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुँच जाएगा PM किसान की साइट के द्वारा। तो सिंपली मेरे मोबाइल नंबर पर OTP पहुँच चुका है। चलिए यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ और आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। सिंपली गेट डाटा पर क्लिक, गेट डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं गेट डिटेल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और इसे मैंने कॉपी भी कर लिया है और मेरे नाम भी आ चुका है। तो आप इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। आप कोई भी टेक्निकल इसमें आपको क्या है, आपको जो है अपना मोबाइल नंबर सही तरीके से डालना है और कैप्चा को अगर आपका नहीं डल रहा है तो जो कैप्चा वाला है उसे कैप्चा वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करे रखना, आपको न्यू विंडो पर ओपन कर लेना है। न्यू विंडो पर ओपन करने के बाद आप सिंपली कैप्चा वाला फिर से करेंगे तो आपका जो है इस प्रकार का इशू आपका बंद हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेशन लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।